Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Student, solution of third ka third. A12 is equal to 37, D is equal to 3. A or S12 ki value find karna hai. So students, A12 is equal to 11D. तो A12 कितना है स्टूडेंट, 37 A+11 इनटू 33. सो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A. सो A इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. अब S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 2A+11 D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3. तो ये आ गया 6 और ये हो गया 8+33. तो ये आ गया 6 × 41. 6 × 6 246. तो ये स्टूडेंट थर्ड का थर्ड. स्टूडेंट थर्ड का फोर्थ, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125. फाइंड D एंड A10. सो स्टूडेंट A3 इज इक्वल टू A1+2D. अब A3 15 है, सो 15 इज इक्वल टू A1+2D. एक इक्वेशन ये बन गई स्टूडेंट्स. अब S10 इज इक्वल टू दिया है 125. तो S10 इज इक्वल टू 10y2 2a1 लिख दीजिए या a लिख दीजिए, 2a1 प्लस ये हो गया 10−1 × D. अब S10 की वैल्यू है 125, ये आ गया 5. तो ये हो गया 2a1+9D. अब स्टूडेंट 125/5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2a1+9D. 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 × 2 = 10 और 5×25. तो ये आ गया 2a1+9D इज इक्वल टू 25. ये स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड हो गई. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2a1+9D इज इक्वल टू 25 और ये आ जाएगा a1+2D इज इक्वल टू 15 और ये आया स्टूडेंट्स 2a1 इतना हो गया. अब स्टूडेंट्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a1+4D इज इक्वल टू 30 और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया −5D इज इक्वल टू 5. सो स्टूडेंट्स D की वैल्यू आ गई इसकी −1. अब D की वैल्यू −1 आ गई तो हमें A10 फाइंड करना. सो A1+9D. जब यहाँ स्टूडेंट D की वैल्यू आई थी, अब D की वैल्यू आने के बाद हमें इसमें A की वैल्यू और फाइंड करना पड़ेगी. तो देखिए A1+2D इज इक्वल टू 15, तो A1−2 इज इक्वल टू 15, तो A1 इज इक्वल टू 17 आ गया स्टूडेंट. तो ये हो गया, A1 की वैल्यू आ गई 17+9 × −1. तो 17 − 9 इज इक्वल टू 8. ये स्टूडेंट देखिए, ये इसमें D की वैल्यू −1 आई थी तो D की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दी. A1+2D इज इक्वल टू 15, तो A1−2, चूँकि D की वैल्यू −1 है 15, तो A1 इज इक्वल टू 17. अब ये A10 इज इक्वल टू A1+9D, तो A1 की वैल्यू 17 × 9 − 1, तो 17 − 9, तो ये 8 आ गया. अब स्टूडेंट थर्ड का फिफ्थ, D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75. फाइंड A एंड A9. अब स्टूडेंट्स S9 इज इक्वल टू NY2 2a+(n−1)×D. ये हो गया 75 इज इक्वल टू 9/2 और 2a+. अब n की वैल्यू है 9, तो 9−1×D. सो अब स्टूडेंट 75 × 2/9, इस 9/2 के साइड ले आए, 2a+8 और D की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट 5.
अब इसको थ्री से कैंसिल कर दीजिए, तो थ्री थ्री या नाइन, और ये आ गया, तो ये आया 50/3 इज इक्वल टू 2a+40। तो अब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि 50/3 - 40 इज इक्वल टू 2a, तो ये हो गया 50 - 120/3 इज इक्वल टू 2a। अब स्टूडेंट इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -70/3 इज इक्वल टू 2a। तो स्टूडेंट जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -70/6, या ये हो जाएगी -35/3। तो ये आ गई स्टूडेंट्स a की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है a9, तो a9 इज इक्वल टू a+8d आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू आ गई -35/3 प्लस, अब 8 और इसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है आपकी 5। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -35/3 + 40 इज इक्वल टू -35 + 120/3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो स्टूडेंट 120 में से ये 35 लेस कर दीजिए, 5 आ गया, और ये आ गया 85। 85/3 स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। और स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ थर्ड का 6, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें एस एन इज इक्वल टू दिया है 90, तो ये हो जाएगा एन वाई टू 2a + n-1 d। अब स्टूडेंट्स हमें n फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 90, एन वाई टू 2 × 2 + n-1 × 8 इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा एन वाई टू 4 + 8n - 8 इज इक्वल टू 90। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि एन वाई टू 8n - 4 इज इक्वल टू 90। अब इसमें से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4n - 2 इज इक्वल टू 90, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 4n² - 2n और -90 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से फिर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 या 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर कर दीजिए, तो ये 90 हो गया, तो ये आएगा 2n² - 10n + 9n - 45 इज इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन ले लीजिए तो n-5, और 9 कॉमन ले लीजिए तो n-5 इज इक्वल टू 0। तो 2n + 9 और n-5 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 1 आ गया, n की वैल्यू आ गई -9/2 और n इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट माइनस में n की वैल्यू लेंगे नहीं, तो n की वैल्यू जो 5 प्लस में आई है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब फाइंड करना है हमें an, तो an का मतलब है यहाँ पर a5, तो इज इक्वल टू a+4d। अब a की वैल्यू दी थी स्टूडेंट 2 और d की वैल्यू दी थी 8, सो 4 × 8, तो ये आ जाएगा हमारा 36। इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया, 5 तो ये आ गई, 8 × 4 = 32, 34 34 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 34। अब सॉल्व करते हैं इसका 7, ए की वैल्यू 8, ए एन 62, एस एन 210, एन और डी की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करना है।
तो देखिए ए एन इज इक्वल टू 60 दिया है, ए एन इज इक्वल टू 62, ये सॉल्यूशन है इसका। तो अब ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62, ए की वैल्यू 8 दी है और एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62, चूँकि डी की वैल्यू इसमें हमें नहीं दी गई है स्टूडेंट्स। तो अब ये हो जाएगा कि n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। अब 12 में से 8 गए तो ये स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, ये आ गए 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 54। तो ये n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 54। अब हम फाइंड करेंगे एस एन इज इक्वल टू 210। तो एस एन बराबर एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 210। अब स्टूडेंट जो एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 निकली है वो इसकी जगह पे यहाँ पुट कर देंगे। तो एन वाई टू 2a की वैल्यू दी है 8 और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 54 बराबर 210। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एन वाई टू और ये हो गया 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा एन वाई टू, अब इसको इसका सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 70। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये 35 आ गया। तो एन इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स इसका 7 वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, एन की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो एन की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने ये निकाला था कि एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, तब यहाँ एन की वैल्यू हम इसमें स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। तो जब एन की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कि 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो डी इज इक्वल टू आएगा 54 अपॉन 5। तो ये इस क्वेश्चन का अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ थर्ड का 8। सो स्टूडेंट्स ए एन इज इक्वल टू 4, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2, सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2। तो ये स्टूडेंट्स एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। अब इसके बाद जो है एस एन इज इक्वल टू है माइनस 14, और एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन वाई टू ए प्लस ए एन, माइनस 14 इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस 2 एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एन, 4 माइनस 2 एन प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 एन, 4 माइनस, यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है तो 4 माइनस 2 ये आ गया स्टूडेंट। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एन इन इक्वेशन सेकंड। तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन वाई टू 6 माइनस 2 एन प्लस 4, तो ये हो जाएगा एन वाई टू 10 माइनस 2 एन। अब स्टूडेंट इस एन वाई टू से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 5n आएगा और यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू
जीरो, अब इसके फैक्टर कर दीजिए स्टूडेंट, तो एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। एन कॉमन ले लीजिए तो एन माइनस सेवन, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए तो एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स एन इज इक्वल टू टू आएगा माइनस टू, यानी एन एन प्लस टू इंटू एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो एन बराबर माइनस टू और एन बराबर सेवन। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू हम इसकी लेते हैं एन की जो आएगी, तो एन की वैल्यू सेवन आ गई। अब हमें फाइंड करना है ए, तो स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू है सिक्स माइनस टू एन, तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू इंटू सेवन, तो सिक्स माइनस फोर्टीन, तो ये आ गई ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस एट। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करते हैं हम इसी का पार्ट नाइन। अब स्टूडेंट्स इसका जो नाइन पार्ट है उसमें क्या होगा, देखिए ए इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू एट और एस इज इक्वल टू 192 फाइंड, हमें डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट आसान है, तो एस इज इक्वल टू एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये 192 आ गया, सो 192 इज इक्वल टू एन वाई, एन की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 दी है, सो 8 अपॉन टू टू इंटू थ्री प्लस ये आ जाएगा 7, और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है। तो 192 इंटू टू अपॉन 8 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 प्लस 7 डी। अब 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए, सो 8 दूनी 16, 8 चौको 32, तो ये आ गया 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, तो ये आ गया 42 इज इक्वल टू 7 डी, सो डी इज इक्वल टू 42 अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। अब इसका हम 10 पार्ट करते हैं, इसमें एल की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 28 और एस की वैल्यू दी है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब स्टूडेंट इसमें 9 टर्म्स दिए हैं टोटल, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो 9 टर्म जो स्टूडेंट्स एस इज इक्वल टू 144 है, ये टोटल 9 टर्म्स का सम दिया है, तो एस इज इक्वल टू एन वाई टू और स्टूडेंट्स फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा ए प्लस एल, तो ये हो गया 144 और टोटल 9 टर्म्स हैं, तो इसलिए 9 अपॉन टू और ए प्लस एल, एल की वैल्यू दी है 28। अब देखिए ये आ जाएगा 144 इंटू टू अपॉन 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। अब 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 16 आ जाएगा, तो ये हो गया 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था।